अस्सलाम वालेकुम, मैं शिव से मुखातिब हूँ। आज की हमारी जो प्रोडक्ट है स्नो स्किड चेन है, बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि सर ये एक दफ़ा यूज़ हो जाए तो क्या दोबारा यूज़ हो सकती है, इसको क्या काटना पड़ जाता है, क्या है। तो आज आपके सारे मसलों का हल निकाल दिया हमने, एक वीडियो बनाने लगे हैं स्नो स्किड चेन्स की। ठीक है, ये इसका मटेरियल है। ठीक है, ये पाकिस्तान में जितनी भी इस टाइम गाड़ियाँ चल रही हैं अवेलेबल हैं उनके ऊपर ये बड़ी ईजीली टायर पर ग्रिप कर जाता है। ठीक है, और ये इसका ये लॉक है। ठीक है, ये आप देख लें, यहाँ से इसको पुश करेंगे तो ये लॉक है इसका। ठीक है, आप देखें, हम इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, ये टाइट हो गया। ठीक है, वैसे तो मैंने इसको अपने एहतियातन तौर पर रखा हुआ है कि अगर नहीं होता कि हाथ से ज़ोर नहीं लगता तो फिर ये इसको यूज़ कर सकता हूँ। सर्दियों में बाज़ दफ़ा नहीं होता, इस टाइम तो हम रूम में 30 टेम्परेचर है यहाँ पर, तो ये इसलिए मैंने अंगूठे से दबा दिया तो ये खुल गया। ठीक है, ये देखें, ये अंगूठे से मैंने दबाया है तो खुल गया। अंगूठे में थोड़ा सा दबाव आया, लेकिन आप अगर फीमेल हैं तो ये इसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर के साथ। ठीक है, तो मेल हजरात तो मैं कहूँगा अंगूठे से लगाएं जोर। ये देखें, ये है, इसको पुश किया और ये इजीली रिमूव हो गया। ठीक है, और दूसरी बात, एक और क्यूरी आ रही थी कि हम इसको कितनी देर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप जब तक ये जब आपकी ये सारी यहाँ से स्लिप होके प्लेन नहीं हो जाती तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब ये बेकार हो जाएगी आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा आपकी गाड़ी स्किड कर रही है, तो फिर आप दूसरी चेन यूज़ करें। ये स्नो की डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पर 3 चेन लगानी है, 4 चेन लगानी है, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा 2 से भी निकल जाती है, 3 से भी निकल जाती है, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।